जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। सुरक्षा बलों ने पुलवामा में हुए मुठभेड़ में आतंकी सरगना मौलाना मसूद अजहर के रिश्तेदार समेत 3 आतंकियों को मार गिराया है। सुरक्षा बलों ने आतंकियों के कब्जे से भारी मात्रा में गोला बारूद भी बरामद किया है। साउथ कश्मीर में पुलवामा जिले के कंगन वानपोरा इलाके में आधी रात से सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के बीच मुठभेड़ चल रही थी। दोनों तरफ से फायरिंग की जा रही थी। सीआरपीएफ और 55 राष्ट्रीय राइफल की संयुक्त टीम ने दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन को अंजाम दिया। बता दें कि 24 घंटों में जैश ए मोहम्मद के 5 दहशतगर्दों को मार गिराया गया है। मंगलवार को भी पुलवामा में ही फौज ने जैश के 2 दहशतगर्दों को मार गिराया था। आपको बता दें कि मारे गए आतंकियों में एक फौजी भाई उर्फ इस्माइल आईईडी विशेषज्ञ था। 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर जिस कार ने हमला किया था उसमें आईईडी इस्माइल ने ही फिट किया था। पिछले महीने पुलवामा में आईईडी से भरी जो कार ब्लास्ट हुई थी उसके पीछे भी इस्माइल का ही हाथ था। इस्माइल की मौत सुरक्षा बलों के लिए एक बड़ी कामयाबी है। न्यूज़ डेस्क।